गाइस, वेलकम टू इकोनोहब। गाइस, मैंने मेरे लास्ट लेक्चर में आपको रिलेशंस का बेसिक्स बताया था, डोमेन रेंज समझाए थे क्या होता है, और एक दो सॉल्व एग्जांपल दिखाए थे। ओके, इन दिस लेक्चर में आपको टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ाने वाला हूँ, टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ओके, सो लेट स्टार्ट। सबसे पहला होता है हमारा इनवर्स रिलेशन। ठीक है, इनवर्स रिलेशन क्या कहता है? लेट आर बी एनी रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू बी। अगर हमारा एक सेट है ए टू बी, उसमें रिलेशन है आर, द इनवर्स ऑफ आर डिनोटेड बाय आर की पावर माइनस वन, इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, इज द रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। मतलब अगर एक रिलेशन आर है ए टू बी, तो जो उसका इनवर्स होगा, आर इनवर्स हो जाएगा बी टू ए, विच कंसिस्ट ऑफ दोज ऑर्डर्ड पेयर विच वेन रिवर्स बिलोंग टू आर। मतलब अगर उसमें से वो एलिमेंट्स हो जाएंगे जिनको हम, जो आर इनवर्स में से वो एलिमेंट्स आएंगे जिनको हम रिवर्स कर देना, तो वो वापस आर बन जाए। ओके, देखो आके मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये इसकी डेफिनेशन होती है, आर इनवर्स इज इक्वल टू बी कॉमा ए। आर होता है ए कॉमा बी, जहां पे ए कॉमा बी हमें बिलोंग करता है आर से, तो आर इनवर्स हो जाएगा बी कॉमा ए। ओके, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स रिलेटेड टू वाई, सो वाई ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू साथ में एक्स। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है एक ए है एक बी है, दोनों एक सेट गिवन है, और हमने कहा है कि ना आर और आर इनवर्स दोनों निकालो, रिलेशन गिवन है एक्स डिवाइड्स बाय वाई। ओके, एक रिलेशन गिवन है। अब सबसे पहला काम क्या है, सारा ए क्रॉस बी लिख लो, जितना भी है ए क्रॉस बी क्या बनेगा, 2.6, 2.8, 2.10, 3.6, 3.8, 3.10, 5.6, 5.8, 5.10। ओके, नो इश्यूज। अब हमें क्या करना है, सिर्फ वो एलिमेंट छांटने हैं जो एक्स डिवाइड्स बाय वाई हो रहे हो, वो ऑर्डर्ड पेयर सिर्फ 2.6। अब देखो 2.6 डिवाइड हो रहा है जी, 2.6 हो जाता है, 2.36 होता है, 2.8 हो रहा है, 2.10 भी हो रहा है, 3.6 भी हो रहा है, 3.8 ये नहीं होता हमें पता है, तो हमने इसको कट कर दिया। फिर 3.10 ये भी नहीं होता जी, फिर आता 5.6 भी नहीं है, फिर 5.8 भी नहीं होता, फिर 5.10 ये भी होता है, 5.2 होता है। ओके जी, तो सॉरी ये हमने गलती से कर दिया, ये सही है हमारा, ठीक है, तो 5.10 भी आ गया। ओके, तो ये हमारा बन गया आर। अब इसका आर इनवर्स क्या बनेगा, आर इनवर्स ये होगा सिर्फ इनके एलिमेंट्स को चेंज कर दो, 2.6 है तो 6.2 हो जाएगा, 2.8 है तो 8.2 हो जाएगा, 2.10 है तो 10.2 हो जाएगा, 3.6 है तो 6.3 हो जाएगा, एंड 5.10 है तो 10.5 हो गया। अभी क्या बन गया, वाई जो यहाँ पे एक्स था और ये वाई था, अब वाई इधर आ गया और ये एक्स आ गया, तो वाई आर इनवर्स एक्स, मतलब वाई इज रिलेटेड टू आर इनवर्स विद एक्स। ओके, समझ रहे होंगे। अब आप एक चीज नोटिस करें, अगर हम इसका डोमेन निकालेंगे, इसके डोमेन क्या होंगे, 2, 2, 2, 3, 5। अब जो इधर डोमेन है वो इधर आके क्या बन गया, रेंज, यानी 2 इसका इधर आ गया, 2 इसका इधर आ गया, 2 इसका इधर आ गया, इसका 3 इधर आ गया, इसका 5 इधर आ गया। जो इधर डोमेन है वो इधर रेंज है, और जो इधर रेंज है यानी 6, 8, वो इधर आके क्या बन गया, डोमेन, क्योंकि आर इनवर्स का डोमेन हो गया। तो यहां से हम एक चीज कंक्लूड करेंगे, दैट डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स, एंड रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर इनवर्स। ओके, बहुत सिंपल है, हमने इनवर्स रिलेशन समझ लिया, बहुत इजी था, कुछ टिपिकल नहीं था। फिर सेकंड आता है आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहता है, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज सेट टू बी आइडेंटिटी रिलेशन इफ, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होती है आई ऑफ ए, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। ओके, एक्स कॉमा एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए। देखो एग्जांपल समझते हैं, अब हमारे को ये गिवन है। ओके, अब हमें इसमें आइडेंटिटी रिलेशन फाइंड करने हैं, 1.1 यानी एक्स कॉमा एक्स है ना, यानी 1.1, 2.2, 3.3, ये इसका आइडेंटिटी रिलेशन है, दैट्स इट, क्वाइट सिंपल, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिंपल एक्स कॉमा एक्स कर देना, जितने अगर यहाँ पे 4.4 होता, सॉरी यहाँ पे 4 होता तो हम इधर 4.4 भी कर देते, बहुत ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ओके, ये सिर्फ दो टाइप के हमारे पे रिलेशंस होते हैं, एक आइडेंटिटी रिलेशन और एक इनवर्स रिलेशन। ओके, बहुत इजी था। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर्टीज समझाऊंगा रिलेशन की, हमारे पास अराउंड 7 प्रॉपर्टीज होती है रिलेशंस की, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा, मैं उसमें आपको एग्जाम्पल के साथ कराऊंगा टाइप्स ऑफ रिलेशंस, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशंस। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।